हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती वर्मा। आज हम बनाएंगे उड़द चने की दाल, जो कि हमने सो करके रखी थी सुबह से। अब इसको बॉईल कर दिया है और इसके लिए टमाटर प्याज ले लिए हैं। देखिए, इनको कट करके हम इनमें तड़का लगाएंगे। हम इसके लिए लेंगे एक टमाटर और दो प्याज और दो हरी मिर्च। इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे ताकि इससे ग्रेवी अच्छी बने दाल की, उड़द चने की दाल के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चॉप कर लिया है ऑनियन, पटेटो और ग्रीन चिल्ली को। अब इसके लिए हमने लिए हैं दो छोटे गार्लिक लिया है और अदरक। हम इनका पेस्ट बनाएंगे। अब लहसुन कूटने वाले में डाल दिए हैं। अब इनको कूट के इनका पेस्ट बनाऊंगी। हम इनको काट भी सकते हैं, पर काटने से होता है कि दाल में ऊपर ऊपर तैरती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कूटने से अच्छी ग्रेवी बनती है, इनकी अच्छा टेक्स्चर आता है। फ्रेंड्स देखिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया और टमाटर प्याज का भी आपने देख लिया, देखा था पहले चॉप किए हुए मैंने। अब इनका हम तड़का लगाएंगे उड़द चने के तड़के वाली दाल के लिए। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा था, हमने सारी चीज़ चॉप कर ली है, टमाटो और ग्रीन चिल्ली एंड अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने एक पैन में घी डाल लिया है। हम घी में ही चौंकते हैं दाल। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो। अब इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हींग जीरा, हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, जीरा डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, काफी अच्छा टेक्सचर आता है उसमें दाल गरम मसाला डालने से। गरम मसाले में ही इस दाल को हम छौंकते हैं, उड़द चने की दाल है बेसिकली। अब इसमें हम ऑनियन को जो है फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सॉरी, पहले जिंजर और ये अदरक का है ये जो पेस्ट डाल देंगे, फिर हम ऑनियन डालेंगे इसमें। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे, ऑनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए जैसे ऑनियन इसमें ऐड हो रही है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं और ग्रीन चिली जो कटी हुई है। अब इसको डीप फ्राई करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। ये है आपका कोरिएंडर पाउडर और ये टर्मरिक पाउडर, ये लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर लिए और इसमें सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसकी आपका इसका दाल के लिए मसाला है जो भून रहा है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम कलरफुल हो रहा है। इसमें हरी मिर्च हमने साबुत भी ऐड कर दी है, जो काफी देखने में दाल की अच्छी लगती है काफी देखने में। ऊपर से सारा भुना मसाला इसमें ऐड हो। बस हमने इसमें उड़द चने की दाल में धनिया और गर्म मसाला ऐड किया है और ये दाल रेडी टू बी सर्व।